Hello everyone and welcome to this online lecture series on elements of electrical engineering having subject code 22215. हमने यूनिट नंबर 1 मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट किया है और आज से हम यूनिट नंबर 2 एसी फंडामेंटल शुरू करेंगे. आज है हमारा लेक्चर नंबर 1 और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एसी फंडामेंटल्स. एसी फंडामेंटल्स के बारे में बेसिक जानकारी आपको इस लेक्चर में मिलेगी. नेक्स्ट है लर्निंग आउटकम्स. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन एसी एंड डीसी क्वांटिटीज, कंपेयर एसी एंड डीसी क्वांटिटी, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी. नेक्स्ट हम देखेंगे कि एसी क्वांटिटी और डीसी क्वांटिटी यानी क्या होता है. एसी क्वांटिटी एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड एज एसी क्वांटिटी. अब हमने पढ़ा है कि मैग्नीट्यूड यानी होता है वैल्यू, तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो कि चेंज होती है उसकी वैल्यू और साथ साथ एज वेल एज यानी उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी दिशा इज कॉल्ड एज एसी क्वांटिटी. तो आप ये एसी क्वांटिटी अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ देखिए, यहाँ पर जीरो पर हम स्टार्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, फिर कम होती है, फिर ये पॉजिटिव डायरेक्शन के बाद नेगेटिव डायरेक्शन में भी इसकी वैल्यू बढ़ती है, कम होती है, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में आता है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में आता है. यानी क्या हो रहा है कि समय के हिसाब से इसकी वैल्यू और इसकी डायरेक्शन, दिशा पॉजिटिव और निगेटिव, ये एक्सिस के ऊपर का साइड होता है पॉजिटिव और एक्सिस के नीचे का साइड होता है निगेटिव, तो इसकी दिशा और इसकी वैल्यू दोनों भी बढ़ रही है. तो ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू और उसके साथ साथ उसकी दिशा भी चेंज हो, ऐसे क्वांटिटी को हम एसी क्वांटिटी कहेंगे. डीसी क्वांटिटी, डीसी क्वांटिटी अ क्वांटिटी विच इज कॉन्स्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज डीसी क्वांटिटी. कॉन्स्टेंट का मतलब होता है जो कि बदलती नहीं है, जो शुरुआत में थी वही वो अंत तक रहती है, उसे कहते हैं हम कॉन्स्टेंट. यानी किसी भी पैरामीटर के मुताबिक वो क्वांटिटी बदलती नहीं है, ऐसे क्वांटिटी को हम कहते हैं डीसी क्वांटिटी. अब डीसी क्वांटिटी का आप ग्राफ देख सकते हैं. डीसी क्वांटिटी में क्या होता है, टाइम जीरो पे इसका वैल्यू ये था, फिर हम थोड़ा आगे बढ़े तो उसका वैल्यू ये था, फिर हम टाइम के साथ साथ बढ़े फिर भी उसका वैल्यू उतना ही था. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ एसी एंड डीसी क्वांटिटी. एसी क्वांटिटी ये हमने ग्राफ दो बना लिए. क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि राइट कंपैरिजन ऑफ एसी एंड डीसी क्वांटिटी, तो आपको ऐसे दो कॉलम में एसी क्वांटिटी और डीसी क्वांटिटी का कंपैरिजन लिखना है. द वैल्यू ऑफ एसी क्वांटिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के मुताबिक एसी क्वांटिटी का वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है. द वैल्यू ऑफ डीसी क्वांटिटी डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वही डीसी क्वांटिटी का जो वैल्यू है वो समय के हिसाब से बदलता नहीं है. द क्वांटिटी ऑफ एसी चेंजेस आफ्टर एवरी हाफ साइकिल. यानी यहाँ से ये जो वैल्यू यहाँ तक आती है इसको हम कहते हैं साइकिल. द क्वांटिटी ऑफ एसी यहाँ से यहाँ तक का जो है ये एक पॉजिटिव और निगेटिव डायरेक्शन, हम इसे कहते हैं एक साइकिल. तो हर आधे साइकिल के बाद एसी क्वांटिटी की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है. पहले पॉजिटिव रहती है, फिर नेगेटिव आती है, फिर पॉजिटिव होती है, फिर नेगेटिव आती है. वही डीसी क्वांटिटी की वैल्यू चेंज नहीं होती. नेक्स्ट हम देखेंगे द पोलैरिटी ऑफ एसी क्वांटिटी चेंजेस आफ्टर एवरी हाफ साइकिल. यानी पोलैरिटी यानी साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हर हाफ साइकिल के बाद क्या होता है, चेंज होता है. डायरेक्शन ऑफ डीसी क्वांटिटी डज नॉट चेंज आफ्टर ईच हाफ साइकिल. वही डीसी क्वांटिटी के वैल्यू में कुछ भी बदलाव नहीं होता है. द पोलैरिटी पॉजिटिव चेंजेस आफ्टर ईच हाफ साइकिल, द पोलैरिटी रिमेन सेम. यानी डीसी क्वांटिटी में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही हमें मिलेंगी, वही एसी क्वांटिटी में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू हमें मिलती है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी क्वांटिटी इज 15 हर्ट्ज. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द फ्रीक्वेंसी जो होती है एसी क्वांटिटी को कितनी होती है, 50 हर्ट्ज. द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी क्वांटिटी इज जीरो. वही डीसी क्वांटिटी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो. इफिशियंसी इज हाई, इफिशियंसी इज लो. अब इफिशियंसी का मतलब होता है, इफिशियंसी आप जब आगे आप पढ़ोगे तब आपको एकदम क्लियर होगा, पर अभी के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि इफिशियंसी यानी होता है
आउटपुट बाय इनपुट, यानी हमने जो इनपुट दिया उतना ही आउटपुट अगर हमें मिलता है तो हम उसे कहते हैं कि सिस्टम की इफिशियंसी हाई है। बट हमने इनपुट बहुत ज्यादा दिया और हमें आउटपुट में बहुत कम वैल्यू मिल रही है तो हम उसे कहते हैं कि इफिशियंसी क्या है, लो है। इसीलिए एसी क्वांटिटी की इफिशियंसी क्या है, हाई, और डीसी क्वांटिटी की इफिशियंसी क्या है, लो। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। द इफिशियंसी ऑफ एसी इज हाई एज कम्पेयर टू डीसी। इफिशियंसी जो होता है एसी की वो हाई होती है अगर हम डीसी के साथ कंपेयर करें, यानी दोनों की अगर तुलना करें एसी और डीसी क्वांटिटी की तो एसी की इफिशियंसी क्या होगी, हाई। एसी सप्लाई कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू डीसी सप्लाई। हम एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। डीसी सप्लाई को हम एसी सप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए क्या होगा, उसके लिए लंबा प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है, थोड़ा हार्ड है, बट एसी क्वांटिटी को हम इजीली सरलता से डीसी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ एसी इज लेस कॉस्टली एज कम्पेयर टू डीसी। जो इंस्टॉलेशन होता है एसी का वो कम खर्चे, उसके लिए कम खर्चा लगता है डीसी के तुलना में। लॉस ऑफ एनर्जी इज वेरी लेस फॉर एसी। लॉस ऑफ एनर्जी जो होती है वो कम होती है एसी क्वांटिटीज में। तो पेपर में आपको क्वेश्चन आता है कि एडवांटेजेस ऑफ, राइट एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। तो आप अगर ये चार पॉइंट भी लिखते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर 2 पॉइंट के लिए क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क्स लिखने हैं। सो इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट डेफिनेशन ऑफ एसी एंड डीसी क्वांटिटी, कंपैरिजन ऑफ एसी एंड डीसी क्वांटिटी, एंड एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी क्वांटिटीज। दिस आर द पीओ सैटिस्फाइड फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू एंड कीप लर्निंग। हैव अ नाइस डे।